वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 दिसंबर 2020 और 29 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा घोषित दशक की पुरुष वनडे टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया है? तो अभी आईसीसी ने इस पूरे दशक की एक पुरुष वनडे टीम डिक्लेयर की है और इसके कप्तान बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ऐसी पूरे दशक की पुरुष T20 टीम भी डिक्लेयर की है आईसीसी ने, इसके भी कैप्टन बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। और इस पूरे दशक के जो टेस्ट टीम डिक्लेयर की है उसके कैप्टन बने हैं विराट कोहली। तो तीनों आप याद रखिए, इस दशक की पुरुष वनडे और T20 टीम के कैप्टन बने हैं महेंद्र सिंह धोनी और टेस्ट टीम के कैप्टन बने हैं विराट कोहली। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? दुबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मनु सहानी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वार्कले। कौन है? ग्रेग वार्कले। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ये बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत द्वारा भेंट की गई पंडुपी INS सिंधुवीर को कमीशन किया है? तो अभी म्यांमार ने, भारत ने म्यांमार को जो INS सिंधुवीर भेंट की थी उसको कमीशन कर दिया है। कमीशन करने का क्या मतलब होता है? इसको समुद्र में तैनात कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब म्यांमार ने कमीशन किया तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडॉ। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। एक्चुअल में म्यांमार का पहले नाम बर्मा था, इसलिए इसकी करेंसी है बर्मिस क्याट। और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं बिन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो अभी अमेरिका ने चंद्रमा की सतह पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2026 तक अमेरिका चंद्रमा की सतह पर परमाणु रिएक्टर को स्थापित करेगा। अब अमेरिका करेगा तो अमेरिका से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो एक होती है कोप इंडिया, एक होती है वज्र प्रहार, एक होती है टाइगर ट्रंप और एक का नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। अच्छा, अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी, ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है अमेरिका ने। और अमेरिका में जो राष्ट्रीय स्मारक है, अब अगर उनको कोई क्षति पहुंचाएगा तो उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। इतना आपको अमेरिका के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? तो अभी बिहार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, डिजिटल इंडिया अवार्ड। अब ये बिहार ने क्यों जीता है? तो अभी लॉकडाउन में 21 लाख से अधिक फंसे हुए श्रमिकों को बिहार सहायता मोबाइल ऐप के द्वारा जो वित्तीय सहायता प्रदान की है बिहार ने, उसकी वजह से बिहार को ये डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब बिहार को किया गया तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ल्यू खार्पर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ल्यू खार्पर ये एक रेसलर थे, ये WWE के रेसलर थे और अमेरिकन रेसलर थे, अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे ल्यू खार्पर, इनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल का गठन करने का निर्णय लिया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रांतीय रक्षक दल यानी कि PRD
इसके गठन के लिए निर्णय ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, प्रांतीय रक्षक दल, इसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गठित करेगी। एक्चुअल में शहरी क्षेत्रों में 1948 में यह प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना हुई थी। अब क्या है, इसको वैकल्पिक सुरक्षा के रूप में यूज किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश ने अब फिर से प्रांतीय रक्षक दल का गठन करने का निर्णय लिया है। अब उत्तर प्रदेश ने लिया तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। अच्छा, जैसे ही आप लखनऊ सुनते हैं माइंड में तुरंत आना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, पारसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रौंच। राजकीय पुष्प क्या है, पलास। और राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई, नवीन रोजगार छत्री योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है मंडुआ डी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एक दुधवा नेशनल पार्क है, एक कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूत्र निवेद नाची सूत्र एक अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो श्रीपद नायक, ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने अभी सूत्र निवेद नाची सूत्र एक अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये कोंकणी भाषा की एक पुस्तक है, कोंकणी भाषा, और इसको डॉक्टर रूपाचारी ने लिखा है और इसका विमोचन केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ये अभी साउथ कोरिया की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया गए तो मैप में देखिए, ये जो आपको मैप में नीचे की तरफ दिख रहा है यही है साउथ कोरिया, ऊपर की तरफ है नॉर्थ कोरिया। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, 38th parallel। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है, साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है, तो अभी पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक बनी। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये है पूजा देवी और ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक बनी है, कठुआ जिले में इनको तैनात किया गया है। अब जम्मू कश्मीर की बनी है तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो एक तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, एक है दच्छीग्राम नेशनल पार्क और एक हेमिस नेशनल पार्क और था, लेकिन अब ये लद्दाख में पड़ता है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब दोनों ही यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है, तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें सिख गुरुओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी माता थी गुजरी, तो उनके 4 पुत्रों की जो शहादत हुई थी उसे शहजादा की शहादत के रूप में याद किया जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 27 दिसंबर के दिन को शहजादा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी तैमूर इस्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगा है, तो तैमूर इस्माइलोव ये उज्बेकिस्तान के टेनिस खिलाड़ी थे और इन पर अभी 7 साल का प्रतिबंध लग गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं तैमूर इस्माइलोव। अब उज्बेकिस्तान के थे तो ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है, उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, सबाकत मिर्जियोव। कौन है, सबाकत मिर्जियोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब जीता है महेंद्र सिंह धोनी ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड
ये खिताब जीता है महेंद्र सिंह धोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुप्रतीक्षित तानसेन संगीत समारोह कहां शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अभी बहुप्रतीक्षित तानसेन संगीत समारोह शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस बार का जो तानसेन संगीत समारोह है ये इसका 96वां संस्करण है और अभी ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कितने राज्यों में कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया है? तो अभी अपने देश भारत ने 4 राज्यों में कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये 4 राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम, इन 4 राज्यों में कोरोना वायरस के टीके का ड्राई रन शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस केस के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग और ग्रीन हेल्थ केयर का समर्थन करने के लिए समझौता किया? तो अभी अपने देश भारत ने इजराइल के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग और ग्रीन हेल्थ केयर का समर्थन करने के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब समझौता इजराइल के साथ किया है, तो यह है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजराइली न्यू साइकिल। और इजराइल के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम पूछा जाता है, तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, KNESSET, नेसेट। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहां की जाएगी? तो अभी उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के स्पीडो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के स्पीडो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।